नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 1995 की दो मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। एक मूवी है शाहरुख खान की जिसका नाम है राम जाने, और दूसरी मूवी है सुनील शेट्टी की जिसका नाम है टक्कर। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के वीडियो करते स्टार्ट। मैं हूँ आपका साथी रोहित त्रिपाठी। पहले हम बात करते हैं शाहरुख खान की मूवी राम जाने के बारे में। देखा जाए दोस्तों, राम जाने मूवी 1 दिसंबर 1995 को रिलीज हुई थी, और इस मूवी का जो बजट था, इस मूवी का बजट था लमसम 4 करोड़ रुपए लगभग दोस्तों। वहीं अगर हम इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में 8.5 करोड़ रुपए की लगभग कमाई करी थी, और इस मूवी का वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन हुआ था लमसम 15 करोड़ रुपए का। और देखा जाए, ये मूवी हुई थी शाहरुख खान की सुपर हिट मूवी। अगर हम इसके स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो इसमें शाहरुख खान के साथ थे जूही चावला, पंकज कपूर, टीनू आनंद और गुलशन ग्रोवर। देखा जाए दोस्तों, शाहरुख खान की ये मूवी सुपर हिट साबित हुई थी, और शाहरुख खान की जो एक्टिंग थी में वाकई में बहुत ही जबरदस्त थी। और इस मूवी का गाना देखा जाए आज भी दोस्तों लोगों को याद होगा। जी हाँ, तो अब बात करते हैं हम सुनील शेट्टी की मूवी टक्कर के बारे में। देखा जाए दोस्तों, टक्कर मूवी का जो बजट था वो 3.5 करोड़ रुपए लगभग था, और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ था लमसम 5 करोड़ रुपए, और इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ था लमसम 7 करोड़ रुपए के लगभग। और देखा जाए दोस्तों, ये मूवी हुई थी एवरेज हिट साबित। अगर हम इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी में सुनील शेट्टी के साथ थे सोनाली बिंद्रे और नसरुद्दीन शाह। देखा जाए दोस्तों, इसकी तो स्टार कास्ट बहुत बड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये मूवी खाली एवरेज हिट ही साबित हो पाई। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें इन मूवियों की कहानी के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि इन दोनों मूवी की कहानी में से आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताइए। और हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।